हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जोरी और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने क्रैब साइकिल को। और जो क्रैब साइकिल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी में, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आता ही है। और मैं आपको बताऊं ना, अल्टीमेटली अपनी बॉडी का मेन एम क्या होता है, अपनी बॉडी का मेन एम होता है अपना एटीपी बनाना। और जो क्रैब साइकिल जो है, मैं आपको बताऊंगी टोटल अपनी बॉडी के अंदर 60 से 65 से 70% एटीपी का प्रोडक्शन जो है क्रैब साइकिल ही करती है। अब सबसे पहले क्वेश्चन अपने माइंड में आता है कि सर ये क्रैब साइकिल होती क्या है। देखो क्रैब साइकिल के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं, तो क्या होता है ना, अपनी बॉडी के अंदर अपन को पता है, अपने ग्लाइकोलाइसिस की वीडियो में पढ़ा था, अंत में क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से क्या अपन क्या बना देते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। देन वो फिर दो मॉलिक्यूल जो पायरुवेट है वो दोनों अपने चेंज होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और यहीं से अपनी क्रैब साइकिल कहानी जो है शुरू हो जाती है। देन अपन इसी एसिटाइल कोएंजाइम ए को टोटली अपन ऑक्सीडेशन इसका कर देते हैं। ऑक्सीडेशन का आपको पता है मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइटम, मतलब टोटली तरीके से अपन क्या करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम को तोड़ देते हैं। और फिर अपन एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम से अपन बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी साइकिल में अपन यहां पे मिलती है एटीपी। तो मेनली मैं आपको बता चुका हूं अपनी बॉडी 65 से 70% एटीपी का प्रोडक्शन करती है अपनी क्रैब साइकिल से। और अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने ग्लाइकोलाइसिस बोला, ग्लाइकोलाइसिस भी कहां जाता है, ग्लाइकोलाइसिस भी फिर अपना जो है क्रैब साइकिल के अंदर चला जाता है। पाइरूवेट आगे कहां जाता है, वो क्रैब साइकिल के अंदर चला जाता है। सिमिलरली अपन लिपिड के मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे, जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है ना फैटी एसिड का, वो भी अल्टीमेटली कहां पे एंड होता है, वो भी क्रैब साइकिल के अंदर ही एंड होता है। तो अपनी बॉडी अल्टीमेटली क्रैब साइकिल के अंदर ही जाती है अपनी एटीपी बनाने के लिए। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं सर, ये पूरी क्रैब साइकिल जो है इसकी पूरी स्टेप जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं तुम्हें पूरी क्रैब साइकिल बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे नीचे की तरफ, अगर आप देखोगे ना, आपको यहाँ पे पूरी क्रैब साइकिल मिल जाएगी। तो मैं क्लीन करता हूँ यहाँ पे और फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, जो पायरुवेट जो था, मैं यहाँ पे और आपको स्पेसिफिक बताता हूँ। तो पायरुवेट जो मॉलिक्यूल जो है वो सबसे पहले इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज अपन इसको बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। और देखो एसिटाइल कोएंजाइम जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे अपना एक एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता है, जिसे हम बोलते हैं एनएडीएच। तो याद रखना इस स्टेप में भी अपनी एनर्जी बनती है जब हम पायरुवेट को जब हम बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। देन यही एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर आगे जाके अपना जुड़ता है ऑक्सलो एसिटेट से, और ऑक्सलो एसिटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस अपना बनाता है सबसे पहला मॉलिक्यूल अपने क्रैब साइकिल का, जिसे हम बोलते हैं सिट्रेट। तो यहां से जो है अपनी पूरी क्रैब साइकिल की जो पूरी कहानी जो है, जो क्रैब साइकिल की पूरी जर्नी जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। और मैं आपको बताऊं ना, तुम सोचो कि सर तुम उसको डायरेक्ट याद करोगे ना, एक दिन तुम याद करोगे दूसरे दिन तुम भूल जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छी जिंगल बनाएंगे, एकदम इतनी फनी जिंगल बनाएंगे ना तुम्हें याद हो जाएगी, क्योंकि अपना ब्रेन जो है ना मैक्सिमम फनी चीजें ज्यादा अच्छे से याद करता है। और मैं बताऊं पाजी, मैंने तुम्हारे लिए इतनी फनी सिंगल बनाई है ना, तुम्हें सारी चीजें याद हो जाएंगी। और देखो अगर तुम्हें क्रैब साइकिल को याद करना है ना, तो देखो तुम्हें यहाँ पे बनना पड़ेगा हलवाई, क्योंकि जिंगल ही कुछ ऐसे तरीके से है। तो क्रैब साइकिल को याद करना है तुम्हें, बनना पड़ेगा हलवाई। और उसकी मैं जो है ना सारी जितनी भी है ना यहाँ पे लिखता हूँ अपनी पूरी जिंगल। देखो इसकी जिंगल है, कैन आई कीप सेलिंग, मतलब क्या मैं बेच सकता हूं, कैन आई कीप सोइलिंग स्वीट फॉर मनी ऑफिसर, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एक पुलिस मैन है ऑफिसर है, उससे अपन पूछ रहे हैं कि क्या सर मैं मेरी मिठाइयां अभी भी बेच सकता हूं, अपन हलवाई हैं, अपन पूछ रहे हैं। अब इस जिंगल से आपको क्रैब साइकिल कैसे याद करनी है मैं आपको वो बताता हूं। तो आपको ना सब वर्ड के शुरू का एक एक वर्ड आपको लेना है। तो सबसे पहले अपना क्या बनता है सिट्रेट, सिट्रेट के बाद यहाँ पे मेन मेन आपको मैं बताऊंगा इंटरमीडिएट, सिट्रेट के बाद मेन चीज अपनी बनती है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट के बाद मेनली अपना यहाँ पे बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के बाद अपना बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद अपना बनता है सक्सिनेट, सक्सिनेट के बाद अपना बनता है फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट के बाद अपना बनता है मेलोनेट, और फ्यूमरेट के बाद अपना बनता है मैलेट, और मैलेट आगे जाके चेंज अपना हो जाता है ऑक्सिलो एसिडेट में। तो कैन के सी से अपन को याद करना है सिट्रेट, आई से अपना जाएगा आइसोसिट्रेट, कीप से की के से अपन को करना है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और सेलिंग के एस से अपन को यहाँ पे करना है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और स्वीट के भी ऐसे अपन को यहाँ पे करना है सक्सिनेट, एफ से हो जाएगा फ्यूमरेट, और एम से हो जाएगा मैलेट, और ओ से अपना हो जाएगा ऑक्सलो एसिडेट। तो पूरी जिंगल से ना तुम्हें सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। अब मैं तुम्हें ना इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ा देता हूँ, और मेनली ना जब तुम एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना जिंगल के साथ, तुम ऑटोमेटिकली इसको ना याद कर लोगे। तो चलो अपन काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले अपने कहाँ थे, अपने क्या करा एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सलो एसिटेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस अपना बना देता है सिट्रेट, ठीक है। देन सिट्रेट अपना इन द प्रेजेंस ऑफ एकोइनिटेज एंजाइम अपना बनता है सिस एकोइनिटेट में,
देन ये फिर से अपना एक कोनिटेज एंजाइम के साथ वो अपना बन जाता है आइसोसिट्रेट, जो कि मेन कंपाउंड है। देन तुम ध्यान से देखो, यहां पे अभी तक कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई है। देन जैसे आइसोसिट्रेट अपना अल्फा क्यूटोग्लूटारेट अल्फा क्यूटोग्लूटारेट में चेंज होगा, देन यहां पे इस स्टेप में अपनी जो ना पहली एनर्जी बनती है, जो कि अपना होता है NADH। तो यहां पे सबसे पहली अपनी बनती है एक NADH। अब यहां पे ना इसके भी बीच में एक इंटरमीडिएट आता है जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सैलोसक्सिनेट। अब देखो क्या होता है ना, सबसे पहले अपना एक एंजाइम रहता है जिसे अपन बोलते हैं आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस। आप बोलोगे सर डीहाइड्रोजनेस क्या है? देखो जो ऑक्सीडेशन जो होते हैं ना, जो सारे एंजाइम ऑक्सीडेशन करवाते हैं उन्हें अपन बोलते हैं डीहाइड्रोजनेस। और तुम्हें ना बड़े आराम से याद हो जाएगा, तुम चीजों का मतलब समझ लो। अब देखो अगर तुम्हें एंजाइम को याद रखना है तो डिहाइड्रोजनेज का सबसे रूल ये है, उसके पहला नाम वही आता है जिसके ऊपर वो करवा रहे हैं। तो आइसोसिट्रेट में अपन डिहाइड्रोजनेज करवा रहे हैं तो क्या होगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। उसके बाद क्या बनेगा, अपना बनेगा ऑक्सैलोसक्सिनेट, उसमें क्या हुआ अपनी एक एनएडीएच प्रोड्यूस हो गया। देन फिर से यही सेम एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज जब अपना ऑक्सैलोसक्सिनेट में यूज होता है, देन फिर अपना बनता है अल्फा क्यूटोग्लूटारेट। देन सिमिलरली फिर से जब अपना अल्फा क्यूटोग्लूटारेट का अपन डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं, मिले अपने से ऑक्सीडेशन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में अपना बनता है यहाँ पे सक्सिनेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे भी अपनी एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनएडीएच यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। देन फिर जब अपने सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है सक्सिनेट। और इस स्टेप में अपना बनता है यहाँ पे जीटीपी। अब याद रखना एटीपी भी एक एनर्जी का सोर्स है, जीटीपी भी एक एनर्जी का सोर्स है और एनएडीएच भी एक एनर्जी का सोर्स है। अल्टीमेटली अपन इन सारे सोर्सेज से अपन बनाते हैं एटीपी, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। इसके बारे में भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। तुम तो ये याद रख लो कि जो जीटीपी है एनएडीएच है, इन सबसे अपन आगे चल के एटीपी ही बनाएंगे, अपना मेन गोल है एटीपी बनाना। देन जो सक्सिनेट है फिर वो इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस अपना बन जाता है फ्यूमरेट, और यहाँ पे अपनी एक और एनर्जी बनती है जिसे अपन बोलते हैं FADH2। देन फिर जो फ्यूमरेट से जब अपन मैलेट बनाते हैं तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। जब अपन मैलेट से ऑक्सिलो एसिटेट बनाते हैं तब यहाँ पे एक और NADH प्रोड्यूस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेस। तो पूरी मैंने आपको रिएक्शन बता दी, और उसमें खास बात क्या है, तीन जगह पे अपन क्या वहां पर एनएडीएच बनता है, जब अपना आइसोसिट्रेट अल्फा क्यूटो ग्लूटारेट में चेंज होता है तो यहाँ पे तब अपना एक एनएडीएच बनता है। देन फिर उसके बाद वाली रिएक्शन में भी एक एनएडीएच बनता है, और लास्ट वाली में अपना बनता है NADH। तो यहाँ पे तीन रिएक्शन में अपना बनता है NADH, और एक रिएक्शन में अपना बनता है GTP, और एक में अपना बनता है FADH2। तो टोटल यहाँ पे जो है ना इतनी सारी अपनी यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब देखो मेन जो अपना काम जो है वो अपना ये पता लगाना है कि एक क्रैब साइकिल से कितनी अपनी ATP बनी। तो यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं इसका पूरा कैलकुलेशन भी करके बता देता हूँ। मैं ना तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। अपना जो अमित शाह जी है, तुमने उसकी एक बहुत फेमस मीम भी है वो भी सुनी होगी, यार जान दे देंगे तुम्हारे लिए ये क्या चीज है। सिमिलरली मैं तुम्हारे लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। तो देखो बात अपन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था टोटल क्रैब साइकिल में कितनी बनती है अपनी, तीन NADH बनते हैं, और एक NADH से कितनी ATP बनती है, एक NADH से बनती है 2.5 ATP। ये तुम डायरेक्ट याद कर लेना। तो टोटल यहाँ पे कितनी ATP बनी, अपनी बनी 7.5 ATP। फिर एक और चीज याद रखना, एक FADH2 कितनी ATP देता है, अपना देता है 1.5 ATP, और एक अपना GTP कितनी ATP देता है, अपना देता है 1 ATP। तो इनका ग्रैंड टोटल करेंगे तो टोटल अपना जाता है 10 ATP। ये जो है न्यू कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट के हिसाब से अपन को स्क्रैप साइकिल में मिलती है 10 ATP। तो बड़ी इजी सी कैलकुलेशन थी यार, अगर तुम्हें सही चीज कंसेप्ट क्लियर है तो तुम अच्छे से याद कर लोगे। देन अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ जो कि है रेगुलेशन, किस तरीके से क्रैब साइकिल का रेगुलेशन होता है। तो देखो यहाँ पे तीन एंजाइम ना डायरेक्ट तुम ये याद कर लो, MCQ में पूछते हैं मेरी जान, ये डायरेक्ट याद करो ये कि कौन कौन से एंजाइम क्रैब साइकिल का रेगुलेशन करवाती है। सो अपना सिट्रेट सिंथेस एंजाइम, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, और एक अपना अल्फा क्यूटोग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस, ये तीन एंजाइम जो है डायरेक्ट क्रैब साइकिल का रेगुलेशन करवाते हैं। अभी कैसे करवाते हैं तो मैं समझा देता हूं। तो तुम ये वाली रिएक्शन देखो, तो मैंने आपको बोला था जो अपना क्या होता है, तो अपना सिट्रेट सिंथेस जो है ये वाला एंजाइम। अब क्या होता है ना, जब अपनी बॉडी में इनफ अमाउंट में ATP प्रेजेंट है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर ना बहुत सारी एनर्जी है, ATP प्रेजेंट है, बढ़िया मजे नू लाइफ चल रही है, जूस पीवानू मजे नू लाइफ चल रही है अपनी, तो उसको मेहनत तो करनी नहीं है। सिमिलरली जब अपनी बॉडी में ATP है तो मैंने क्यों ये क्रैब साइकिल चलाए, देन क्या होता है ना, जो ATP जो है वो क्या करता है, अपना सिट्रेट सिंथेस को इनिबेट कर देता है, इसको बोलते हैं फीडबैक इनिबेशन। जब ज्यादा ATP होगा
देन वो इसको इनिबेट कर देगा और ये पूरी क्रैब साइकिल जो है ना नहीं चलेगी। कुछ इस तरीके से अपना क्रैब साइकिल का यहाँ पे रेगुलेशन होता है। सिमिलरली हाइड्रोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज भी करता है और अल्फा ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम भी इसी तरीके से फीडबैक कराता है। तो यहाँ पे याद भी कर लेना, पूरा मेरे नोट्स में लिखा हुआ है और ये सारे नोट्स जो है ये मेरी नई मॉड्यूल है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। और इसकी खास बात क्या है, इस मॉड्यूल से अगर तुम पढ़ोगे ना मात्र 7 दिन में पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म कर लूंगा, क्योंकि इसका सारा एमबी टॉपिक के नोट्स हैं, वन पेपर फ्लो चार्ट थ्योरी दी हुई है और इतना अच्छा बेस्ट कंटेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बच्चे साल भर पढ़ते हैं, मतलब 7 दिन में मेरी मॉड्यूल पढ़ के पास हो जाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम चेक कर सकते हो जाके। सो सिट्रेट सिंथेस को इनिबेट कौन करवाता है, मैंने आपको बताया था एटीपी, एनएडीएच और एसिटाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमने सिट्रेट सिंथेस को इनिबेट करवा लेती हैं। फिर अपना आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज जो है ना उसको भी इनिबेट कौन करवाता है, अपना एटीपी और अपना एनएडीएच। और इसकी खास बात क्या है, सिट्रेट सिंथेस को एक चीज एक्टिवेट भी कर जाती है, कौन, जो अपना एडीपी जो होता है ना। देखो जब हम एटीपी को यूज कर लेते हैं तो क्या बनता है, अपना एडीपी। अब एडीपी क्या है, अपने एनर्जी यूज कर ली, तो जब अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी तब क्या होगा, अपना एडीपी ज्यादा होगा। तो जब जरूरत ज्यादा एडीपी होता है तो बोलता है मेरे भाई मेरे पास एनर्जी नहीं है, बॉडी बोलती है, फिर ये एडीपी इस एंजाइम को जो है ना बोलता है नॉक नॉक काम करने लगो बेटे, इसको एक्टिवेट करवा देता है और फिर यहां से जो है ना अपनी साइकिल वापस चलने लगती है। अपना अल्फा कीटो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज किससे इनिबेट होता है, वो अपना इनिबेट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और एनएडीएच से। तो ये तीनों चीज मैंने डिटेल में आपको बता दी। तो चलो अपन एक और चीज यहां पर पढ़ते हैं जो कि इसका है इनिबेटर्स। देखो मैं तुम्हें ना सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना, पूरा मेटाबॉलिज्म पूरी बायोकेमिस्ट्री में अपलोड करूंगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। जो अपना एक कोइनी टेज एंजाइम जो है वो अपना फ्लूरो एसिटेट से इनिबेट हो जाता है, ये डायरेक्ट इनिबेटर है, आपको डायरेक्ट याद करना है कि कौन सा एंजाइम किससे इनिबेट होता है। और एमसीक्यू ये भी पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से होता है, कॉम्पिटेटिवली लेकिन नॉन कॉम्पिटेटिवली। तो ये जो है अपना नॉन कॉम्पिटेटिवली जो है अपना फ्लूरो एसिटेट अपना एकोनिटेज एंजाइम को इनिबेट करवा लेता है। फिर अपना अल्फा क्लिटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है, यहाँ पे आधी स्पेलिंग है तुम इसको पूरा करेक्ट कर लेना, वो अपना आर्सिनेट से जो है इनिबेट हो जाता है नॉन कॉम्पिटेटिवली। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आप 11th से एनसीईआरटी से पढ़ते आ रहे हो कि अपना सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो अपना मेलोनेट से इनिबेट हो जाता है। कैसे इनिबेट होता है, अपना कॉम्पिटेटिवली। तो सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी और कॉम्पिटेटिव इनिबिशन नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक तुम्हें ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आई बटन तुम चेक करते रहा करो, क्योंकि मैं ना बहुत जल्द तुम सारे बच्चों के लिए लाने वाला हूँ ऑनलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं तुम्हें सारी चीजें बहुत जल्दी पढ़ा दूंगा, मतलब क्या होता है ना ऑनलाइन क्लास की बातें लोग होती है इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो उसकी अपडेट के लिए आई बटन चेक करते रहा करो, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लो तो मैं सारी अपडेट्स तुम्हें देता रहूंगा। तो चलो बेटा अपन बात करते हैं मेन चीज पे जिसके लिए तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। मुझे पता है कि सर यूनिवर्सिटी में कैसे इसको लिख के आना है, तो यूनिवर्सिटी में कभी उसको लिखना है ऐसे लॉन्ग में, तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देना कि एसिटाइल कोएंजाइम को ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और पानी बन जाएगा H2O। फिर मेनली 65-70% बॉडी की एनर्जी की नीड प्रोवाइड करता है, तो पूरी डेफिनेशन जो मैंने लिखी थी ना वो लिख देना। फिर इसकी पूरी साइकिल बना देना, फ्लो चार्ट पूरा एक पेपर में बनाना अच्छे से। फिर इसके लिखना स्टेप, स्टेप में सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, ठीक है, उसके बाद जितनी भी रिएक्शन होते हैं ना 2-3 सिट्रेट इज आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट, फिर फॉर्मेशन ऑफ अल्फा क्लिटो ग्लूटारेट, फिर अल्फा क्लिटो ग्लूटारेट से जो सक्सिनाइल बनता है। सो मैं बताऊं तुम्हें स्टेप भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें साइकिल याद है ना तो जैसा साइकिल में लिखा है एज इट इज वो का वो तुम स्टेप में लिख देना, बस तुम्हें मैं हेडिंग यहाँ पे बता रहा हूँ, इन हेडिंग्स में तुम लिख देना। फिर एंड में इसका लिखना जितने इनिबेटर्स होते हैं और जितने इसके रेगुलेटर्स होते हैं, तो इनिबेशन क्रैब साइकिल की, रेगुलेशन क्रैब साइकिल की, और एग्जामिनर को अगर तुमने इनिबेशन रेगुलेशन लिख देना एज ए लॉन्ग में, मैं बताऊं बंदा तुमसे इतना इंप्रेस हो जाएगा, पूरे में से पूरे मार्क्स दे सकता है तुम्हें। तो अगर तुम्हें ज्यादा मार्क्स चाहिए तो ये दो चीज जरूर लिख के आना और एंड में इसका एनर्जी का कैलकुलेशन कर देना, बस तुम्हें इतना ही करना है। लॉन्ग में सर आराम से 5 से 6 पेज आराम से इतना लिखने से भर जाएंगे। सो वीडियो से अगर हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।